कह देना सबसे, थोड़े समय की इंद्री को वश कर लेते तो आज अस्वस्थ नहीं रहते। देख लो भैया, जो जितना चिकना आटा खाते हैं उतनी अधिक समय में पचता है, पर नहीं पचा तो आदमी नहीं बचता है। कुछ सालों पहले तो छोड़ दिया खाना ये नूडल्स और ये चिकना। नूडल्स खाते थे, कैसे खाते आप लोग? कैसे खाते ना, कैसे खाते हो? चबाते कहाँ हो? ओ सीधे सीधे गए बिना चबाए, अब चाहे चबा के खाओ चाहे बिना चबा के खाओ, वो सीधे जाके आंतों में फंस गए, पूरी आंतें उलझ गई, दो डिब्बा भर के आंतें निकाली गई हैं। कितनी? दो डिब्बे भर के आंतें निकाली गई। जीव का 30-40-50 किलो वजन कम हो गया, पर आयु थी सो बच गई तो ओम नमः हो जाता, पता नहीं चलता। जब भी मैदा में आप दही मिलाते हो, किसमें? मैदा में दही मिलाया, वो पचने में आपको उसको 10-15 दिन लगेगा, और फिर तुमने नया डाल दिया ऊपर, फिर नया डाल दिया, अब क्या होगा विचार करो। फिर मत आना फोन करवाने किसी का, महाराज जी बहुत बीमार है, तो हमसे पूछ के तो नहीं खाया था ना सुबह तो। 10 साल पुरानी मैगी निकली, नूडल्स निकले 8 साल पुराने, सही है नितिन भाई? देखो सामने बैठे प्रत्यक्ष में, और पैसा अलग खर्च हुआ, शरीर का शक्ति अलग छीन हुई, उतने दिन व्रतों में धर्म ध्यान करते वो छूटा, पर कहीं कुछ लफड़ा हो जाता तो जीवन भर पछताओ। खा लो केंचुए जैसे वो नूडल्स, हे भगवान कैसे खा लेते लोग, हमें तो वो बढ़िया चाव से खाएंगे। आप शादी में जाओ, किसी की पार्टी में जाओ, सबसे पहले वहीं भैया देना। इंद्रिय विषयों को वश करो, केवल उतने की बात नहीं कर रहे, जो जो आपके लिए हानिप्रद है शरीर के लिए वो छोड़ो, अभी समय है। मुंडी क्यों नीचे करे कमल भैया, आप क्या है? मानो आप, गलती एक बार होगी पछतावा जीवन भर होगा।